वो पल भी कोई पल है जिस पल तेरा एहसास ना हो, वो महफिल भी क्या महफिल है जिसमें ब्लैक मस्ती चाय ना हो। वसई विरार में अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। ताजा मामला नाला सुपारा पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले बिलाल पाड़ा का है, जहां एक मामूली विवाद पर कुछ लोगों ने एक बिंद परिवार पर हमला कर दिया। पहले तो 7 सितंबर की रात पानी के विवाद को लेकर नाबालिग बच्चे व उसके पिता को बेरहमी से पिटाई की गई, जिसको लेकर रितेश बिंद ने जानकारी दी। नाम है आपका? रितेश बिंद। कहाँ रहते हो आप? डलपाड़ा हनुमान मंदिर। क्या हुआ आपके साथ? हम पानी लेने जा रहे थे, मोहित यादव ने हमको बोला कि गाली देके बोला कि इधर भाई लोग बैठे हैं पानी दे। हमने बोला पानी जा रहा भगवान के लिए, तो मोहित यादव ने फिर आया, हम लोग को गाली दिया, बोला कि मैंने दिया, मैं बोला गाली तुमने ही दिया था। घर पे आए फिर हमको बहुत लोगों ने मिल के मारा। हम लोग का नाम था मोहित यादव, दीपू सुजल गुप्ता थे शायद से, और रवि त्रुगांश और दीपक। और कितने लोग होंगे लमसम? बहुत लोग थे। फिर क्या हुआ? वो लोग ने मारा तो मैं कैसे वहाँ छुट के आया, मेरे गले में निशान है, लोग मारा इगलादाबादिया, मैं बोल नहीं पा रहा था। और यहाँ मारे और इधर पीछे मार दिए हैं और इधर मारे हैं। मेरा सोता हूँ तो बहुत दर्द देता है। मैं एक या डेढ़ घंटे के लिए बेहोश था, नहीं मालूम मेरे को। एक घंटे मेरे को घर में रखा तो वो लोग ने बोला घर से बाहर निकाल, तो मेरे पापा सो रहे थे, मेरे पापा को उन लोग ने दरवाज़ा खुलाया और मेरे पापा बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो पापा को मारने लगे। एक लड़का आया पीछे से, उसका नाम था विकास, उन्होंने बम्बू लिया, मेरे पापा को यहाँ मारा और यहाँ मारा। उनको बेहोश हो गए वो, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए हम लोग ने। तो अभी पापा कहाँ हैं? अभी हमारे पापा सुपारा हॉस्पिटल में हैं। वहीं रात में ही बिंद परिवार पेल्हार पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां किसी महिला पुलिसकर्मी ने उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया। पीड़ितों ने जो बताया, उस महिला पुलिसकर्मी ने वो जानकारी न लिखकर कुछ और ही लिख दिया, ऐसा आरोप पीड़ित पक्ष ने लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन प्रसाद बिंद है। बिंद जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे चाल के 7-8 लोग आके दरवाजा मेरा मार के तो कुंडी छड़का के घुस गए। घुसने के बाद मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे मार भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, तुम्हारा बेटा किधर है, बेटा किधर। मैं बोला भाई आखिर हुआ क्या है, मैं तो घर में हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर उसके बाद वो लोग दीपू और सुजल। कितने लोग थे? लगभग 7 लोग थे। आपके घर के अंदर घुस गए? हमारे घर के अंदर घुस के वो लोग जबरदस्ती हमको फिर मारने के बाद वो लोग दरवाजे पर बाम्बू से बाम्बू लेके आए थे और वो भी उस तरह मारे थे खोभा खोभा करके। फिर वो लोग वापस दोबारा आए, दोबारा आके मेरे बीवी को भी मारे, मेरे को भी मारे। हाँ वहीं पर थी, उसको झटका दी। नहीं पहले नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेला। बीवी भी तो बाद में आए। बोलिए ना। मैं पहले अकेले ही था, कोई मेरे घर में नहीं था। वो लोग ही डायरेक्ट घुस के आए। मैं दरवाजा खाली हल्का सिकनी लगाया था, जब एड़ा मारे ना लात से मारे तो वह तो खुल गया। वो लोग लिख के दिए, रिपोर्ट भी लिख के दिए कि जाओ फिलहाल में पुलिस चौकी में आप पुलिस केस करो। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर पुलिस लेडीज पुलिस थी, वो पहुँचते ही वो बोलती यहाँ डॉक्टरी है क्या, यहाँ पर जो ला के सुता दिए हो। उसने हम लोग को बहुत डांटी, डांटने के बाद वहाँ खड़ा भी नहीं होने दी। फिर उसके बाद बोलती है पहले लेके जाओ इसको हॉस्पिटल में। हम लोग बोले कि हम लोग अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, तो 3-4 घंटे के बाद वहाँ पर गए थे, जब थोड़ा हमको राहत हुआ तब वो लोग छुट्टी दिए थे। तो भी वो मानने को राजी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग
112 नंबर पे फोन लगाए, तब 112 नंबर पे फोन लगाने के बाद वो उन्होंने जब उन जब बोला तब ये लोगों ने NCR लिखे, वो भी जैसा जैसा हम लोग बोले वैसा हम लोग के ऊपर जैसा जैसा घटना हुई वैसा नहीं लिखे, वो अपने मर्जी से वो लोग लिखे। पलार पुलिस चौकी मैंने गई, वहाँ पे 3-star मैडम थी, 3-star मैडम थी, वो मेरा केस लिखने का तैयार ही नहीं। मेरे पति और मेरे बच्चों को देखी, बोलती लेके जा हॉस्पिटल, उठा यहाँ से, मराठी में बोलती है, जमीन पे नहीं यहाँ रहने का, लेके जा उठा। मैं बोली मैडम मेरी विनती तो सुन लो, मेरा रिकॉर्ड मतलब केस तो लिख लो, मैं हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। हॉस्पिटल वाले ने मुझे बोला कि अब हमें आराम हो जाएगा तुम्हारे बच्चे को, अब लेके जाओ पुलिस चौकी। तो बोलती नहीं कुछ नहीं होएगा, यहाँ मरेगा जिएगा कौन, जिम्मेदार होएगा। मैं बोली मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पति है, मेरा बच्चा, मैं जिम्मेदार हूँ, आप केस लिखिए। केस नहीं लिखे उन्होंने, मेरा लड़का दूसरा पड़ा वाला, मेरा लड़का 16 साल का है, फिर उन्होंने मेरा लड़का ने 112 पे फ़ोन लगाया, 112 पे फ़ोन लगाया, वो सर से सब अपनी प्रॉब्लम बताया, वो सर ने फिर वो पुलिस चौकी में फ़ोन किया बिहार के, फिर उन्होंने चिड़ में बोलती तू बहुत ज़्यादा सयाना बन रहा, 3-star जो लेडीज थी बहुत ज़्यादा सयाना बन रहा, 112 पे फ़ोन लगा दिया, मेरी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे मैडम, मैं क्या करूँ, मैं इतना सिफारिश कर रहा हूँ मैडम मेरी बात सुन लो, मेरे पापा मेरा भाई ऐसी हालत में पड़े, केस लिख लो, नहीं लिख रहा तो मैंने लगाया। तब जाके वो लोग ने FIR नहीं लिखा, NCR लिख दिया। NCR में क्या लिखा आपको कुछ पता है? सर मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। वहीं जैसे तैसे पुलिस ने इस मामले में NCR दर्ज कर ली है, जिस पर NCR दर्ज करने के दूसरे दिन फिर वही लोग कुछ बिल्डरों को साथ लेकर आए और घर में घुसकर नाबालिग बच्चा, उसकी माँ व उसके पिता की जबरन बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे बच्चे के पिता को इलाज के लिए वसई विरार मनपा के अस्पताल में ICU में रखना पड़ा। ऐसी जानकारी पीड़िता अनिला बिंद ने मीडिया को दी। मैं अनिला बिंद त्रिभुवन प्रसाद की पत्नी बोल रही हूँ। क्या करते हो आप? मैं रिक्शा चलाती हूँ, अपने दो बच्चे को पालती हूँ। अच्छा। फिर मेरा हस्बैंड ने सोए थे घर में, उन्होंने दरवाजा ठोका, लात लात मेरे दरवाजे पे मारा, मेरा आदमी ने दरवाजा खोला और बोला तेरा लड़का कहाँ, तेरा लड़का, मेरा आदमी पूछ रहे क्या हुआ भाई क्या हुआ, इतने बाम्बू इतना मोटा लिए थे, मेरे आदमी के सीने पे मार दिए, सीने पे मारे और इधर पेट पे मार दिए, मेरा आदमी गिर गए और उनको घबराहट होने लगी, फिर वो लोग ने चले गए, फिर मेरे बच्चे लोग ने मेरे बच्चे लोग को छुपाया था उनका दरवाज़ा खुला रहे थे, वो लोग नहीं खोल रहे थे, इतने मैं आ गई, वो लोग बोले लेडीज लोग उसकी मम्मी आएगी तब मैं निकालूंगी बच्चे लोग, मैं आई इतने में तो मेरा भी हाथ पकड़े, तेरा मुझे गाली दे के बोले अपना बच्चा निकलवा इनके घर में से, इनके घर में से बच्चा निकल, मैं बोली भाई शांत रहो, हुआ कि शांत रहो, हाँ फिर मैं कैसे करके वो लोग को हटाई, उनको पैर पड़ी हटाई, फिर अपने बच्चे को निकाली, फिर वो लोग रात हुई थी 7 तारीख की रात की ये बात है। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चे, मेरा बच्चा भी बेहोश था, मेरे पति भी बेहोश थे, फिर मैंने हॉस्पिटल लेके गई मेरे बच्चे लोग का, जीवन नगर में मुझे पुलिस की गाड़ी मिली, कोई वो लोग मतलब रात में गश्त में जा रहे थे, लगभग ये हो गया कितना 11:30 बज गया, रात हो गई, फिर मैंने पुलिस वाले से पूछी मैं सर क्या करूँ, मेरा बच्चा और मेरा पति बेहोश है, बोले पहले ये लोग का हॉस्पिटल लेके जा फिर पुलिस चौकी जा, मैंने नागिन दास हॉस्पिटल में लेके गई, हॉस्पिटल में गई फिर डॉक्टर ने मेरे पति को इंजेक्शन दिया, सुई लगाया, दवा दिया, बच्चे को भी दवा दिया, थोड़ा आराम पड़ा, वो लोग ने रिपोर्ट लिखा, बोला जाओ फिलहाल पुलिस चौकी, छोड़ा, फिर मैं उठाई अपने पति को लेके गई हॉस्पिटल नागिन दास में लेके गई, नागिन दास वाले ने फिर दवा इंजेक्शन दिया, फिर यहाँ सोपारा हॉस्पिटल में वो लोग ने ICU में डाला, अभी मेरे पति सोपारा हॉस्पिटल में ही है। हाँ वाली पुलिस चौकी से फोन आया था कि तुम लोग किधर हो, तब हम लोग बताए तो पिलहार के अंदर, वो तो पिलहार का वो तो छूट गया ना, फिर कल वाली से फोन आया था रात में, रात में फोन आया कि तुम लोग किधर हो, हम लोग बताया ऐसा ऐसा है यहाँ पे हम लोग हैं, तो बोले डॉक्टर से बात करो, तो डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर से पूछा वो पुलिस वाला कि मतलब उनको कैसा अटैक आया, तो डॉक्टर बोलता मार की वजह से भी आ सकता है, नॉर्मली भी आ सकता है, लेकिन पहले मेरे पति अच्छे खासे थे, कोई उनको तकलीफ नहीं था, ये लोग ने रात में मारा फिर सुबह में आके ऐसा हमला किया, इसके लिए मेरे पति को घबराहट हुआ और अभी उनको अटैक दिखा रहा है, अब मेरा खर्चा, मेरी जिंदगी खर्चा, मेरे बच्चे कौन पालेगा। अभी पुलिस का क्या रिस्पांस आपके मामले में आ रहा है? अभी पुलिस का रिस्पांस मेरे मामले कुछ भी नहीं, मेरी तरफ से जब जब वो लोग मुझे मार रहे हैं, मैं हॉस्पिटल भाग रही हूँ, वो हमारे ऊपर उल्टा केस कर रहे हैं। वहीं यह बिंद परिवार अभी भी भय के साए में जीने को मजबूर है। वहीं अनिला बिंद रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है, ऐसे में उनके परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो जाएगा
तो वे भार कैसे सह पाएंगी। वहीं अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पीड़ित पक्ष के खिलाफ वालियु पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। अब ये सोचने की बात है, हमारे देश का ये कैसा कानून है, एक तो इस डरे और सहमे बिंद परिवार पर दो बार सामने वालों ने हमला कर दिया है, इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा इन पर ही आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। वो पल भी कोई पल है जिस पल तेरा एहसास ना हो, वो महफिल भी क्या महफिल है जिसमें ब्लैक मस्ती चाय ना हो।